तो जल्द ही प्रदेश की नई भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो जारी होने वाला है। जानकारी मिली है कि नए मंत्रिमंडल के गठन को हरी झंडी अब दिल्ली से भी मिल चुकी है। करीब करीब नाम भी तय हो चुके हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल के पहले फेज में 17 नामों को शामिल किया गया है। इसमें पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दिल्ली जाकर भी आ चुके हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी। नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा और राजस्थान में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा है नई सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर। हम भी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और दर्शकों की जिज्ञासा को कुछ शांत करने का प्रयास करते हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के संभावित विधायकों के नामों को के जो पैनल हैं वो तैयार हो चुके हैं, उन पर अंतिम मोहर लग चुकी है। अब मंत्रिमंडल का ऐलान होना बस बाकी है। कभी भी नए मंत्रिमंडल का ऐलान हो सकता है। सूचना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों की शपथ के लिए राज्यपाल से भी समय मांग लिया है। हालांकि मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कई विधायकों के लॉबिंग की भी खबरें आ रही है, लेकिन मंत्रिमंडल के नामों की तस्वीर फिर भी अभी साफ नहीं कही जा सकती। यह सब केंद्रीय नेतृत्व पर डिपेंड करता है। फिलहाल हर कोई मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार कर रहा है। हालांकि यह भी तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में वरिष्ठ और अनुभवी विधायकों के साथ ही नए विधायकों को भी शामिल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक तो वसुंधरा राजे खेमे के कई विधायकों को भी भजनलाल सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि जिस तरह से सीएम चयन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने चौंकाने वाला फैसला लिया था, उसी की झलक अब मंत्रिमंडल में भी देखने को मिल सकती है। यानी नए और युवा सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व पहली बार जीते हुए जोशीले विधायकों को भी इस मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। इसके लिए जानकारी जुटाई जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए नए युवा विधायकों को अवसर देकर एक नवाचार पेश किया जा सकता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में जातीय गणित को भी साधने का प्रयास किया जाएगा, ताकि लोकसभा चुनाव की नई अपार लग सके। चलिए नई भजनलाल सरकार के संभावित मंत्रियों की सूची पर एक नजर डाल लेते हैं। इसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम करीब करीब तय माना जा रहा है और उनको कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल सकता है। चर्चाएं तो ये भी हैं कि उन्हें गृह मंत्री या चिकित्सा मंत्री बनाया जा सकता है। गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद खाली हुई उदयपुर सीट से चुनाव जीते तारा चंद जैन को उद्योग मंत्रालय मिलने की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा पार्टी के फायर ब्रांड नेता मदन दिलावर को भी महत्वपूर्ण विभाग मिलने की जानकारी है। बाबा बालकनाथ को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जयदीप बिहानी, भैराराम चौधरी, कन्हैया लाल चौधरी, रामविलास मीणा, जवाहर सिंह बेडम, सुरेंद्र सिंह राठौड़ और वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके गजेंद्र सिंह खींवसर, उदयलाल भराना, जोगेश्वर गर्ग, जोराराम कमावत, पब्बाराम बिश्नोई, संजय शर्मा, संदीप शर्मा जो कोटा से हैं, सुरेश रावत के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो भाजपा की नई जो भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल के आधिकारिक ऐलान का अब सभी को इंतजार है। भाजपा विधायक खुद ही नहीं बल्कि हर एक विधायक का समर्थक अब आस लगाए बैठा है कि मेरा MLA मंत्री बनेगा कब। लेकिन यह तो केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में ही है, किसको राजस्थान के किस महकमे का हाईकमान बनाना है। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जल्द ही सूची आने वाली है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।